अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट राय नाजम, आप देख रहे हैं राय नाजम ऑफिशियल। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि गम्बरी, जिसे हम झींगा कहते हैं, झींगा मछली जो है उसे फ्राई कैसे करते हैं। जैसे जो लोग सऊदी अरब में होते हैं, दोस्त होते हैं, वो उन्होंने खाया होगा अलबेक के ऊपर, जैसे अलबेक पे होती है, उसको फ्राई कैसे करते हैं, और बाद में फिर हम आपको अपने स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल, इंडिया स्टाइल में दिखाएंगे कि उसकी ग्रेवी कैसे बनाई जाती है। देखें दोस्तों, हमने आज जम्बरी ले ली थी, झींगा मछली ले ली थी। ये दो किस्म की होती है, हमने समंदर वाली ली है, इधर से सऊदी अरेबिया में झील वाली भी मिलती है, यानी कि फार्म वाली भी। आपने क्या करना है, अच्छे टेस्ट के लिए आपने इसको समंदर वाली लेनी है। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आए हम आपको बता। आपने इसको मसाला लगा के रख लेना है, जो भी आप घर में अपना मसाला इस्तेमाल करते हैं। हमने इसमें कोई दूसरा जो मसाला नहीं डाला हुआ, हमने इसमें घरेलू मसाला इस्तेमाल किया है, कड़ी पाउडर, लाल मिर्च और ये जो धनिया होता है, काली मिर्च, इस तरह ये सब कुछ हमने इसमें बस डाला हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं मसाला किसी भी किस्म। आपने जो आपके पास 500 ग्राम फिश होगी या जितनी भी होगी, जितनी भी आप कर सकते हैं, आपने सब ने उसको इस तरह। हमने इसमें कॉर्न फ्लावर इस्तेमाल किया है, आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी बनेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने कॉर्नफ्लावर में डाली थी, कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने एक बर्तन में इनको निकाल लेना, और निकाल के आपने इनको अलहदा अलहदा रखना है, इकट्ठा नहीं रखना। इकट्ठा रखेंगे तो ये साथ में जुड़ जाएंगे, और जैसे आटा बनता है ना, इस तरह बन जाएगी। आपने इसको अलहदा अलहदा रखना है। दोस्तों ये वो डिश है जो आप अपने घर में भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह आपको अलबेक और KFC से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों जो हमने आपको कहा था कि आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके कॉर्नफ्लोर में आपने फ्रिज में रख देना है, तो अभी हमने फ्रिज से निकाल लिया है, और अभी हम इसको करेंगे फ्राई। अभी हम इसको एक एक करके, और एक तो हमने रखा हुआ था गर्म वगैरह होने के लिए, उसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे, आपके पास कढ़ाई हो या कुछ हो, आप उसका हाफ डाल देंगे, उसमें मुकम्मल डाल के, और आप चमचे के साथ उसको हलाना है, ताकि आप उसमें ना दें उसको हलाना। ले जी, अभी रेडी हो गया, और अभी हम इसको निकाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन रंग नज़र आपको आ रहा है, शायद आपको वो कैमरे में ना दिखे जो हमें नज़र आ रहा है, माशाल्लाह। ले जी अभी हम इसको निकाल रहे हैं, ये देखें। ये जी ये देखें, ये झींगा ब्रोस्ट, गम्बरी ब्रोस्ट हमारा अभी तैयार हो गया पक के, तो अभी हम इसको खाएंगे। और जो जो दोस्त हमारे चैनल पे नहीं आए हैं, देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सकें। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सालन है, आप हमारी दूसरी वीडियो देखें, उसमें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा।